सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतीक और आज हम निकलने वाले हैं टाटा निक्सन का माइलेज, ठीक है। सो हम ड्राइव करने वाले हैं सिटी मोड में पहले, और आते वक्त हम करेंगे इकोनॉमी मोड, जिसको इको बोलते हैं, ठीक है। सो अभी ये देखिए आप, यहाँ पे हमने रीडिंग 00 कर दी है, ट्रिप ए। ठीक है, सो नाउ हम अभी अपनी जर्नी चालू करेंगे और आते वक्त हम इकोनॉमी में एवरेज देखेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने जैसा आपको बताया कि हम गाड़ी का माइलेज निकाल रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल तो सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, मोड भी सिटी है और गाड़ी सिटी में भी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जर्नी है जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बीच में थोड़ा खुला रास्ता भी है, तभी भी हम गाड़ी को सिटी मोड में ही रख देते हैं, ठीक है। सो टिल देन अभी मैं आपको और बीच में एक थोड़ा अपडेट देते रहूँगा, ठीक है। ओके, बस हम उनके पास। फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा ट्रैफिक में भी फंसे थे, तो ये भी हमने उसमें कवर किया है, मतलब कोई अलग ये नहीं किया है, ठीक है। सो ये ट्रैफिक का भी इसमें इंक्लूड है। अभी हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और अब तक मुझे गाड़ी ने दिया है 22.7 KMPL का माइलेज और हमने ट्रैवल किया है 28.6 किलोमीटर। सो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है और आपको ड्राइविंग कैसी करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम अभी वापस निकल रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डबल से अभी मैं मीटर रीसेट करूँगा। ये हो गया हमारा अभी 00, और जो मैंने आपको बोला था कि मैं अभी गाड़ी इको में चलाऊँगा, देखिए हमने अभी इको में कर दी है, ठीक है। और एक्यूरेट उतने ही किलोमीटर होने के बाद हम देखेंगे कि इको में हमें कितना माइलेज मिला, ठीक है। अभी हमने लगभग 7.5 किलोमीटर कवर कर लिया है और हमारा रोड कुछ इस तरह है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जैसे आते वक्त सिटी में थे वैसा भी रोड, मतलब सेम टू सेम रोड वही है, सिर्फ किलोमीटर हम जितना हो जाएगा जाते वक्त भी उतना ही कवर करेंगे जितना आते वक्त किया था, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लगभग हमारा किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है 28.6 और हमने कवर किया है 23.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, वो भी इको मोड में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इको एंड सिटी मोड, जो कि दोनों माइलेज है। अभी मैं आपको दोनों का टैली करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं मेरे घर पे पहुंच गया हूँ। सो हमने अभी देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे, क्या था। सो हम टोटल वी वॉज 5 और 4 उसमें बड़े एडल्ट्स थे मुझे पकड़ के, और एक 7 ईयर्स का मेरा छोटा भाई भी था, ठीक है। सो वी वर ट्रैवलिंग टोटल 5 नंबर ऑफ पीपल। और उसी के साथ में क्या हुआ कि पहले हमने सिटी मोड में चलाई जैसे आपने देखा, ठीक है। तो हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 28.6 जाते वक्त और 28.6 आते वक्त, ठीक है। सो पहले जब हमने चलाई थी गाड़ी 28.6 किलोमीटर, सो उसमें क्या था कि हमने सिटी मोड में चलाई और सिटी मोड में हमने एवरेज निकाला है MID पे 22.7, और वेर एज जब हमने इकोनॉमी मोड में गाड़ी चलाई तो हमें एवरेज मिला 23.1। सो अगर हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट 0.4 इतना डिफरेंस आता है, ठीक है। सो मतलब काफ़ी अच्छा मुझे माइलेज मिला, 23 भी अगर हम पकड़ के चलते, या फिर 22.5 भी अगर हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा एवरेज मिला, वो भी 4 एडल्ट के साथ में, ठीक है। सो मेरा जो मॉडल है ना वो डीजल मॉडल है, 1.5 लीटर टाटा नेक्सॉन BS6 मॉडल XM वेरिएंट, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा अभी 2-4 राइडिंग टिप्स भी बताना चाहूँगा, जो कि गाड़ी कैसे चलानी है आपको।
सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा कि आपका टायर प्रेशर जो है ना वो प्रॉपर प्रेशर में रहे, ठीक है, जो रिकमेंडेड प्रेशर है वैसा ही रहे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब भी सिग्नल पे गाड़ी रुकना है तो पहले क्या करना है कि जैसे हमें पता रहता है कि थोड़ा और 100 या फिर 200 मीटर के बाद जैसे हमें रुकना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तब तक गाड़ी कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करते रहते हैं और जब उनको रुकने का काम पड़ता है तब वो रुकते हैं, ठीक है। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि जब हमें मालूम है कि थोड़ा सामने जाने के बाद हमें रुकना ही है तो पहले से ही हमें एक्सेलेटर कम्प्लीटली छोड़ देना है, ठीक है। सो गाड़ी ऑटोमेटिकली वो उतना डिस्टेंस आराम से ट्रैवल कर लेगी, ठीक है ये। और उसी के उसके उसके बाद में हमें जो मतलब क्या करना है कि अगर स्पीड ब्रेकर भी दिख रहा है सामने से कि नहीं सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं उसके बहुत पास में जाते हैं और पास में जाने के बाद ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है कि जो मतलब एक्सेलरेट भी कर रहे हैं आप तब भी गाड़ी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा कर रही है, और उसके बाद में जब आप गाड़ी की स्पीड एकदम से स्लो करते हैं डबल से फर्स्ट या फिर सेकेंड गियर में गाड़ी को उठाते हैं, उससे क्या होता है और गाड़ी फ्यूल लेती है, ठीक है। सो उस ये चीज़ों के कारण, ये छोटी छोटी चीज़ों के कारण हमारे गाड़ी का माइलेज कम हो सकता है, ठीक है। सो आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी मतलब मालूम रहेगा कि आगे जाके हमें रुकना ही है कंपल्सरीली, सो पहले से ही आपको एक्सीलेटर कम्प्लीटली छोड़ देना है, गाड़ी को ऑटोमेटिकली वहाँ तक जाने देना है, ठीक है। सो ये एक टिप थी। और एक बता दूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब अगर आप सिंगल सीट में माइलेज निकाल रहे हैं गाड़ी का और वही 4 से 5 सीट में माइलेज निकाल रहे हैं तो सेम ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि क्या होता है, गाड़ी का जो इंजन रहता है ना उसको जो हमारी गाड़ी में सीट्स बैठती है उसका भी लोड खींचना पड़ता है, ठीक है। सो वो लोड खींचने के लिए भी उसको पावर लगता है और पावर के लिए फ्यूल उतना कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। सो मतलब मैं ये कहने का मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि आप हमेशा वही आपको माइलेज मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो और हमेशा एक बात ध्यान में रखना, चाहे आपके गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर हो या ना हो लेकिन सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एक्सीडेंट ऐसी चीज़ है जो हमें किसी को मालूम नहीं रहता कब होने वाली है, ठीक है। सो अगर आपने सीट बेल्ट पहना रहा तो मे बी इंजुरीज आपकी कम हो सकती है, ठीक है। सो ये थी कुछ टिप्स जो आप फॉलो करके आपका माइलेज बढ़ा सकते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी खुश हूँ मेरे गाड़ी से जो मुझे आज इसने माइलेज दिया है। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मैंने गाड़ी नई ली थी लगभग मैंने सिर्फ 500 किलोमीटर के आसपास चलाई थी, 500 किलोमीटर तक मुझे सिर्फ 16.5 KMPL का माइलेज मिल रहा था, ठीक है। जो मुझे एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, सो मुझे ये मालूम ही था कि जब तक मेरा इंजन गाड़ी का फ्री नहीं होगा थोड़ा तो भी, तब तक ये ऐसा ही माइलेज देने वाली है। सो मैंने कुछ इतना टेंशन नहीं लिया और वैसे ही गाड़ी चलने दी। लेकिन जब अभी मेरा मतलब अबव 800 किलोमीटर्स गाड़ी हो गई है तो इसने मुझे अच्छा माइलेज देना स्टार्ट कर दिया अभी, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो, सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।